देश भर में भारी बारिश के बाद अब मौसम सुहाना हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार इस बार दिल्ली में मॉनसून की वापसी देरी से होगी, जिसकी वजह से दिल्ली और उसके पड़ोसी इलाकों में सितंबर के आखिरी सप्ताह और अक्टूबर के पहले सप्ताह में काफ़ी बारिश हो सकती है। पिछले 7 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से 72% ज़्यादा बारिश हुई है। वहीं भारत के दक्षिणी भागों में सामान्य से 86% कम बारिश दर्ज की गई है। IMD के अनुसार राजस्थान के कुछ हिस्सों में मॉनसून की धीमी वापसी हो रही है, जिसकी वजह से सितंबर के आखिरी सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह के आसपास बारिश शुरू होने की उम्मीद है। इस देरी के कारण मॉनसून की वापसी 10-15 दिन देरी से होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज़ बारिश का अनुमान नहीं है। इसका कारण लो प्रेशर एरिया और मॉनसून ट्रफ की वजह से एक्टिव स्ट्रॉन्ग सिस्टम का कमज़ोर होना है। हालांकि 23 सितंबर से एक और सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिसके कारण प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पानी गिरेगा। MP में अब तक 41.8 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 12% अधिक है। वहीं छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज हल्के से मध्यम बारिश का अनुमान है। कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। हालांकि अगले 1 हफ्ते मानसून की एक्टिविटी कम रहेगी।